हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई बचपन में बुलबुले यानी कि बबल्स तो सारे बच्चे बनाते हैं, लेकिन वो जो बुलबुला होता है वो हम इतना बड़ा बनाते हैं या फिर भाई ज्यादा ज्यादा इतना बड़ा बना लेते हैं, या हो सकता है इतना बड़ा बना ले। लेकिन आज हम लोग बनाने वाले हैं जायंट बबल्स यानी कि बड़े बड़े साइज के बबल्स। लेकिन उसके लिए बहुत ही खास टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, नॉर्मल जो साबुन वाला पानी होता है उससे भी नहीं बनते हैं। तो उसके लिए पहले हमको रेसिपी बनानी पड़ेगी और फिर एक बबल बनाने के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी जिससे बड़े साइज का बबल निकल सके, और फिर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस आइडिया के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों जायंट बबल्स की रेसिपी बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो कि है विम, इस तरीके का लिक्विड जो बर्तन धोने का होता है, साथ ही साथ में ग्लिसरीन, यहां पर है पानी, और यहां पर पता है क्या है, इसके अंदर है भैया रसगुल्ले की चाशनी। ठीक है, सिंपल। तो हमको जो है इन सभी को मिक्स करना है बराबर मात्रा में, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे इस तरीके की बाल्टी का। फटाफट से जो है शुरुआत करते हैं विम के साथ में और डालते हैं इसमें। देखो कुछ नहीं है अभी, तो यहाँ पर ये गया भैया विम, जो कि बर्तन धोता है, लेकिन यहाँ पर बबल बनाएगा ये। अब इसके अंदर डालेंगे ग्लिसरीन, जो कि है भैया 400 ml। हमको जो है इसमें से लगभग आधी डालनी है, तो मैं जो है यहाँ तक इसको डाल दूंगा। और ये है गाइस रसगुल्ले की चाशनी, जो कि हमको खुली लानी पड़ी। तो यहाँ पर ये भी ले लेते हैं लगभग 250 ml, और इसको भी डाल देते हैं हमारे रेसिपी में। ऑलराइट, और अब जो है आखिरी चीज़ की बारी, तो इसमें डाल देते हैं पानी, और साथ में अपने जो हाथ हैं वो भी धो लेता हूँ क्योंकि इस पर चाशनी लग गई है। और अब इस सारे को कर लेते हैं मिक्स, और इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो भैया अब जो है बबल कैसे बनेगा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए दो तो डंडियां चाहिए और एक मोटी रस्सी चाहिए। तो भाई कल जो है अंधेरा हो गया था और हम लोग वापस चले गए, लेकिन जो रेसिपी है वो इसमें रेडी है, और मेरे हिसाब से इस रेसिपी को थोड़ा देर मिलाने के बाद में छोड़ना भी होता है। तो अब है इसको टेस्ट करने की बारी। ये है भैया हमारा बलून बनाने का जुगाड़, तो अब जो है ट्राई करते हैं कि बलून बन पाएगा या नहीं। तो भाई इसको डुबाना है हमको हमारे रेसिपी में, और इसको निकालना है बाहर कुछ इस तरीके से। और आप लोग देखो इसमें बबल है, और मैं इसको ऐसे खींच दूंगा। अरे कुछ नहीं हुआ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओहो गाइस, आप लोगों ने देखा कितना बड़ा बबल यहाँ पर बना था, इतने बड़े साइज का। अरे वाह, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अरे वाह, गाइस कितना देर तक इतना बड़ा बबल हवा में रहा था, उसके बाद नीचे घास है तो उस पर टच के फूट जाता है। ओहो ओहो गाइस, बलून का साइज देखो, और देखो, ओबे ओ। इतना बड़ा बना था इस बार, तो देखो कितनी सिंपल से तरीके से भाई कितना मजा आ सकता है साइंस का यूज करके। जो बबल है ना वो पूरा साइंटिफिक चीज है, क्योंकि जो साबुन है और जो पानी है और जो बाकी चीजें हैं वो एक बहुत पतली लेयर बना लेते हैं, तब जाकर के बबल बनता है। चलो थोड़े से और बनाते हैं, और देखना ये देखो, अरे वाह, हर बार जो है कामयाब हो रहा है हमारी रेसिपी। अरे वाह क्या बात है भैया, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है इतना बड़ा बड़ा बबल बना के। और आप लोग देखो ये देखो ओ पता
एक सीधा बनता है और बाद में जो है वो टुकड़ों में टूट जाता है। बहुत मजेदार भाई, क्या बात है, लाइक बनता है यार इस चीज के लिए। आप लोग देख ही सकते हो कि कितने कितने बड़े साइज के बबल्स यहाँ पर हम लोग बना पा रहे हैं। तो अगर आपको मजा आया इस कमाल के एक्सपेरिमेंट में तो नीचे जो लाइक का बटन है वो आपके भाई के लिए जरूर से दबा देना भाई। यार इतनी सिंपल ही चीज इतना जबरदस्त और इतना मजेदार चीज कर सकती है भैया। देखो यार मैंने जो है इतनी उम्मीद नहीं करी थी, अभी भी बबल बने जा रहे हैं इससे। तो भैया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक वहाँ बबल है।